हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है, सरकार की मंजूरी के बिना अब हिमाचल में नहीं मिलेगा प्रवेश, डीसी अप्रूव करेंगे पास। तो हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब कोविड पास अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले सिर्फ पंजीकरण की व्यवस्था थी, अब प्रदेश में डीसी के स्तर पर कोविड पास की अनुमति दी जाएगी। लोगों को ई पास पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, संबंधित जिले के डीसी उसे अप्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल खड्ड का जलस्तर बढ़ने से बह गया चीता पर रखा शव, ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की क्याणी खड्ड में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया शव खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से चीता समेत बह गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों ने भागकर जान बचाई। ये घटना शुक्रवार दोपहर बाद हुई। गनीमत रही कि खड्ड का बढ़ा हुआ जलस्तर देखकर ग्रामीणों ने सीटियां बजाकर और चिल्लाकर अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को सचेत कर दिया, अन्यथा जान माल को भारी नुकसान हो सकता था। इसके बाद खड्ड का जलस्तर कम होने के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए लोग शव की तलाश में जुट गए। तो नेक्स्ट अपडेट है, ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा से सुधारे अपना खेत, पंचायत सचिव से मांगे काम। तो कोविड संकट के बीच राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन का अच्छा अवसर दिया है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी बेरोजगार अपनी जमीन पर काम मांगे तो उसे दे दिया जाए। इसके लिए पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों के पास आवेदन किए जा सकेंगे। इस बारे में सभी वीडियो को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली तमाम ग्राम पंचायतों को भी इसकी जानकारी दें। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, सड़कों पर लगे नाके, पसरा सन्नाटा, पहले दिन पुलिस भी कर रही सहयोग। तो हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार सुबह 6 बजे से शुरू हुए कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन बाजारों में सन्नाटा देखने को मिला। कुछ शहरों को छोड़कर ज्यादातर जगह लोग न के बराबर दिखे। निजी और सरकारी वाहनों की आवाजाही सामान्य से कम ही दिखी। हालांकि निजी वाहनों पर कोई पाबंदी नहीं है, लंबी दूरी की बसें भी खाली ही इक्का दुक्का सवारियों के साथ सड़कों पर दौड़ी। तो नेक्स्ट अपडेट है, ब्लाइट रोग की चपेट में टमाटर की फसल, तना और पत्ते काले पड़कर गिर रहे। तो मौसम की मार के चलते टमाटर की फसल ब्लाइट रोग की चपेट में आ गई है। बीमारी के प्रभाव से पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं और पौधों पर काले धब्बे पड़ गए हैं। इससे टमाटर के पौधे सड़कर गिरने लगे हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक बेमौसमी बारिश के कारण यह समस्या पेश आई है। टमाटर का उत्पादन करने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना शुरू हो गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, सीएम जयराम ने केंद्र से तरल ऑक्सीजन का कोटा दोगुना करने की मांग उठाई। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 15 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 30% मीट्रिक टन करने का केंद्र से आग्रह किया है। प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य चिकित्सा के उद्देश्य से ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के ऑक्सीजन उत्पादकों को संबोधित करते हुए कही। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल भाषा अध्यापक और स्टाफ नर्स भर्ती के लिए अब 20 तक करें आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 20 मई कर दिया है। प्रदेश में शुक्रवार से लागू कोरोना कर्फ्यू के चलते चयन आयोग ने यह निर्णय लिया। इससे पूर्व 10 अप्रैल से 9 मई 2021 की रात 11:59 तक ही इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। अब आयोग ने इसे बढ़ाकर 20 मई तक कर दिया है। इसके बाद कोई भी आवेदनकर्ता स्वीकार्य नहीं होगा। आयोग ने शिक्षा विभाग में भाषा अध्यापक, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स और जल शक्ति विभाग में जेई सिविल समेत विभिन्न श्रेणियों के 379 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है, मकान में आग लगने से युवक की जिंदा जलकर मौत। तो मंडी जिले के महादेव के घुकनू गांव में देर रात एक घर में लगी आग में युवक राजेंद्र कुमार 34 वर्षीय पुत्र करमचंद की जिंदा जलकर मौत हो गई। घर के निचली मंजिल में सोए माता पिता को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। दूसरी ओर चंबा जिले में वीरवार दोपहर एक व्यक्ति बिस्तर पर सोया था, अचानक बिस्तर में आग लगने से केहर सिंह पुत्र भक्तराम निवासी गाँव कुनाह पंचायत जूता बुरी तरह से झुलस गया।
तो उसे मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, जहां शुक्रवार को उसको मृत घोषित कर दिया गया। डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने बताया कि पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। तुरी के महादेव के घुकनू गांव के जिस युवक की मौत हुई है वह वेल्डिंग का काम करता था। डीएसपी गुरबच्चन सिंह ने बताया कि राजेंद्र कुमार अपना काम निपटाकर ऊपरी मंजिल में सोने चला गया। उसकी पत्नी अपने 4 साल के बच्चे के साथ मायके गई थी और उसके माता पिता निचली मंजिल में सोने चले गए। कच्चे मकान की ऊपरी मंजिल लकड़ी की बनी थी, तो देर रात ग्रामीणों ने ऊपरी मंजिल से धुआं निकलते देखा तो वे आग बुझाने पहुंच गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। लोगों ने माता पिता को सुरक्षित निकाल लिया। अग्निशमन विभाग ने भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन घर सड़क से करीब 300 मीटर दूर होने पर दिक्कत हुई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक युवक की मौत हो गई थी। तो सुंदरनगर SDM राहुल चौहान और DSP गुरबचन सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है, गुड़िया रेप और हत्या मामले की सुनवाई से अलग हुए जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच पुनः करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश CB बारोवालिया की खंडपीठ के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने सुनवाई वाले बेंच से खुद को अलग कर दिया। प्रार्थी द्वारा दायर याचिका में CBI की जाँच पर खामियों को उजागर करते हुए इस मामले की जाँच पुनः करवाने की मांग की गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, शरारत डोनाल्ड ट्रंप और अमिताभ बच्चन के नाम से बनवाए ई-पास, पुलिस ने दर्ज की FIR। तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए बाहरी राज्यों वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। ई पास से ही हिमाचल में प्रवेश मिलेगा। कुछ शरारती तत्वों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम से आवेदन कर ई पास बनवाया है। ई पास चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से शिमला के लिए बनवाया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है, FIR दर्ज कर ली गई है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल गांव तक पहुंच रही कोरोना की लहर, किन्नौर की 38 पंचायतों में फैला वायरस, कई जगह बने कंटेनमेंट जोन। तो हिमाचल प्रदेश में शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक से चिंता बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में शुक्रवार को 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। शिमला शहर के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र धामी में भी एक परिवार के साथ 10 पॉजिटिव आए हैं। तो वहीं किन्नौर जिले में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। SP किन्नौर SR राणा ने मीडिया से रूबरू होते कहा कि जिले की 73 पंचायतों में से 78 पंचायतों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, जिससे 8 व्यक्तियों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 35 पंचायतों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ अपडेट दिन भर की। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।